नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है हरतालिका तीज। तो सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी तीज, हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी जितनी मेरी बहनें हैं सबका सुहाग बना रहे, मैं यही भगवान से प्रे करूँगी भोलेनाथ से। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी मैंने साड़ी नहीं पहना है, सिंपल सा पहना है। पर ये नाखून पालिश मैं इसलिए अभी लगा रही हूँ क्योंकि मैं दोपहर में लगाना भूल गई थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मेरे न जो ये मेरा साइनस है ना, मेरा साइनस का ऑपरेशन हो चुका है क्योंकि मुझे साइनस प्रॉब्लम है। तो पता नहीं क्यों कल रात से ही इंस्पेक्शन हो गया है, तो पूरा साइनस में सूजन आ गया है। तो मुझे सांस लेने में आज बहुत दिक्कत हो रही है, मुँह से सांस लेना पड़ा है, इसके लिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आएगी। तो ज़्यादा बात ना करते हैं दोस्तों, मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज के दिन जो है हरतालिका तीज के दिन पार्वती और शिव भगवान दोनों का साथ में पूजा किया जाता है। सभी सुहागिनें साथ में मिलके पूजा करती है, श्रृंगार वगैरह चढ़ाती है, वो तैयारी मैंने कर लिया है। तो अभी मैं फिलहाल चलती हूँ महावर लगाने, क्योंकि हमारे यूपी में महावर लगाया जाता है दोस्तों, पैरों में सुहागन का निशानी होता है। और ये देख सकते हैं हमने आज येलो कलर का ये पहना है जिससे हमारी शादी हुई थी, तो हमारा सुहाग का असली निशानी ये वाला कलर है। तो हम तीज त्यौहार के दिन यही लगाते हैं, बाकी तो वो फैशन के लिए ज़्यादा करके, मतलब सुहाग भी है, मतलब असली सुहाग ये है हमारे यहाँ का और वो भी सुहाग है। तो चलो अभी मैं ये महावर लगा लेती हूँ दोस्तों, और ये तो मैं रख देती हूँ। और आप लोग वीडियो में बने रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कितने लोग आएंगे मंदिर में, कैसे वहाँ महिलाएं दर्शन करती हैं, सब आप देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलो पहले महावर लगा लेते हैं फिर मंदिर लेके चलते हैं। चलो दोस्तों हम मंदिर जा रहे हैं, देख सकते हैं ये हमने चढ़ाने के लिए सामान लिया है, मिठाई और श्रृंगार का सामान और माला फूल हार। आप अपने हिसाब से जो भी चढ़ाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। चढ़ाने का नाम बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस लेके आई तू, आपके हाथ में दी थी मैं, सारे केबल में रख दी, आपके हाथ में दी थी मैं आपको, मैं मुझे लगा कि मैं यहाँ टांगी ऊपर नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हम मंदिर पहुँच चुके हैं। तो मंदिर का पूरा गेट बंद है, बस थोड़ा सा खोला गया है और पूरा ध्यान दिया गया है ताकि भीड़ ना मचे। तो यहाँ देख सकते हैं हम सैनिटाइज़र रखा हुआ था लगा के, अभी मंदिर के सामने जा रहे हैं। पर मंदिर के गेट के सामने जाने के बाद पता चलता है कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, शटर बंद करके रखे हैं, जहाँ पार्वती और शिव भगवान का मंदिर था। और यहाँ साइड में देख रहे हैं सारी महिलाएं इंतज़ाम की हैं, यहाँ गोल गोल देख सकते हैं बैठ के सब यहाँ पूजा कर रही हैं। तो हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा जगह हो जाए फिर हम भी करें। तो अभी हमारी बारी आ चुकी है दोस्तों, जगह हो गया है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आती हैं पूजा करने के लिए तीज के दिन। तो भी यहाँ तो चलो बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो हम बैठ के पूजा कर ले रहे हैं। बाकी टाइम अंदर दो लोग तीन लोग साथ में कर पाते थे, बाकी लोग को खड़ा होना पड़ता था। तो यहीं देख सकते हैं सब श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं, हार फूल जो भी है सब लाए हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना चढ़ा रहे हैं। सारी तीज व्रत की ही महिलाएं हैं जो अपने पति के लिए व्रत रखी हैं। तो यहाँ मैं और मेरी जेठानी भी आए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं मैं अपना पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इतनी सारी महिलाएं एक साथ पूजा कर रही हैं और हमारा पूजा संपन्न हो गया दोस्तों। और ये मैं माथा टेक रही हूँ,
और भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि हमारा सुहाग बना रहे और सबका बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो यहाँ पूजा करने के बाद दोस्तों फिर मैं जाऊँगी आगे, जो सारे देवी देवता हैं उनका भी पूजा करूँगी। ये देख सकते हैं ये प्रॉपर मंदिर है, शिव मंदिर है हमारे घर के एकदम जस्ट बाजू में। तो यहाँ पूजा करने के बाद दोस्तों मैं जा रही हूँ मंदिर के सामने पूजा करने। गेट तो बंद है और अभी थोड़ी देर में आरती होने वाली है, 7:30 बजे आरती होती है यहाँ, और बहुत अच्छे से आरती किया जाता है। तो यहाँ जो बाकी सब गणेश जी और बजरंगबली, बहुत सारी लक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति हैं, सब जगह मैं हार फूल जो लाई हूँ फूल चढ़ा रही हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा था, क्योंकि मंदिर बड़ा है, बहुत सारे देवी देवता हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं पीछे साइड जा रही हूँ, पीछे साइड जो भी मतलब भगवान है, मंदिर है, पीछे साइड भी मंदिर, भोले बाबा जो है उनके पीछे भी मंदिर है, देख सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे देवी देवता हैं, तो यहाँ भी मैं फूल जो है चढ़ा लूँगी, दर्शन कर लूँगी। अब मंदिर आए हैं तो बनता है सारे देवी देवताओं का हम दर्शन कर लें। इसके बाद देख सकते हैं एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है मंदिर के अंदर ही, और उसका जड़ बस अंदर है, बाकी जो पत्ता है सब ऊपर है, मंदिर के ऊपर है। अरे लक्ष्मी जी का मूर्ति है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं लक्ष्मी जी को मैं चूड़ी पहना रही हूँ। तो यहाँ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है और ये मैं बिंदी लगाऊंगी लक्ष्मी जी को। और सामने से देख सकते हैं पुजारी जी गए, क्योंकि पुजारी जी अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी मतलब 7:30 बजने वाला है तो आरती भी करना है। पर हम वैसे होता तो हम आरती छोड़ के जाते नहीं, रुकना पड़ता, पर क्या है पंडित जी बोल रहे थे कि आप लोग जिसके जिसकी पूजा ख़त्म हो जा रही है प्लीज़ आप लोग चले जाए, ज़्यादा भीड़ ना मचाए, नहीं तो ऑर्डर आ जाएगा, किसी ने कंप्लेंट कर दिया ज़्यादा भीड़ मचाने पे। और यहाँ देख सकते हैं शनि भगवान का भी मूर्ति है और माता रानी का भी मूर्ति है, बहुत सारे देवी देवता हैं यहाँ। और यहाँ दर्शन करने के बाद लास्ट में मैं जा रही हूँ यहाँ, बाकी का जो मैंने सामान चढ़ाया था उसको भी उठाना है, श्रृंगार का थोड़ा थोड़ा, और मैंने पैसा लिया था तो वो भी मैं चढ़ा दी हूँ। इसके बाद लास्ट में दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ देख सकते हैं बैठने थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ हम मंदिर में आते हैं तो पूजा करने के बाद देख सकते हैं सामने और महिलाएँ बैठी हैं, तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं और शांति से भगवान से प्रे करते हैं। अच्छा लगता है, मतलब मन को शांति मिलती है जब थोड़ी देर एकदम शांत होके बैठे रहते हैं और अपने मनों में अपने भगवान से मांगते हैं, जो भी बोलना होता है बोलते हैं। दोस्तों हमारा पूजा पाठ हो गया है मंदिर के अंदर, पार्वती और भोलेनाथ का ये है मूर्ति है, वहाँ ही हर साल हम पूजा करते थे, पर इस साल मंदिर को देख सकते हैं बंद किया गया है, कोरोना के वजह से ही बंद होगा, और वहाँ भी करते थे तो इस साल हमने वही कर लिया, तो पूजा हमारी हो गई, हम यहाँ करें वहाँ करें अगर अच्छे से कर रहे हैं तो संपन्न हो गया। तो अब हम यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं पूजा करने के बाद, उसके बाद हम निकल जाएंगे घर। तो चलो घर चलती हूँ, फिर आप लोग को मिलती हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये सारी जो भीड़ दिख रही है आपको, तो ये गणपति बप्पा लाए जा रहे हैं, तो ये सारे बैंड वाले हैं, सब एक ही सेम कपड़े में हैं देख सकते हैं। तो मुंबई में जो बैंड वाले होते हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि आदमी ही होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो ये गणपति बप्पा देख सकते हैं आ गए हैं, अभी स्थापित करना है। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं मेरी साथ में मेरी जेठानी जी भी हैं, देख सकते हैं आगे आगे चल रही हैं, पर मेरी बेटी शूट कर रही थी तो उनको पता नहीं क्यों ली कैप्चर ही नहीं की, और वो देख सकते हैं आगे आगे जा रही हैं। तो हम दोनों देवरानी जेठानी साथ में मंदिर गए थे। हेलो दोस्तों, तो पूजा पाठ करके मंदिर से मैं आ गई हूँ। ये देखिए मुझे ये सारे काम करने पड़े, व्रत के दिन भी मुझे ये सब काम करना पड़ा है दोस्तों।
तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं वीडियो का यही डी एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।